गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखिल अरोड़ा और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है विटामिन बी के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन बी होता क्या है, क्यों चाहिए होता है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए होता है और कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज है जिससे आपको मिल सकता है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है, जिसका मतलब ये होता है कि वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ, मतलब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो यही रीजन है कि हमें उसे डेली कंज्यूम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जो विटामिन बी है वो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो विटामिन बी होता है वो 8 तरीके के होते हैं, जिसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जो एक कंप्लीट विटामिन बी होता है, जिसके अंदर आपके आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, बायोटिन, फॉलिक एसिड और B12। तो ये मिलकर जो है वो बनाते हैं विटामिन बी को। तो मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड दिखाता हूँ कि जो कौन सा विटामिन बी में कौन सा विटामिन है, जो उसका फंक्शन क्या है बेसिकली, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो आपको वो विटामिन की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन B1, जो कि है थायमिन। तो बेसिकली आप जो खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी को निकालने में ये हेल्प करता है। ये आपको मिलता है नट्स, सीड्स, होल ग्रेन, लिवर और पोर्क से। सो इसका जो इनटेक है वो होना चाहिए 1.5 मिलीग्राम। इसके बाद आता है राइबोफ्लेविन, ये भी आपके खाने में से एनर्जी को निकालने में हेल्प करता है। ये आपको मिलता है एग्स, ब्रोकली, मिल्क, मशरूम, लेग्यूम्स और मीट से। इसका जो इनटेक होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मिलीग्राम। उसके बाद आता है नाइसिन। तो बेसिकली आप जो कार्ब्स खाते हैं वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसमें से एनर्जी को निकालने में ये हेल्प करता है। तो ये आपको मिलता है एग्स, मशरूम, पीनट्स, फिश और चिकन से। इसका जो इनटेक है वो होना चाहिए 30 मिलीग्राम। तो उसके बाद है विटामिन B5 पैंथोथेनिक। तो आप जो फैट और कार्ब्स कंज्यूम करते हैं उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये आपको मिलता है ब्रोकली, पोटैटो, लेग्यूम्स, ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से। इसका जो इनटेक है वो होना चाहिए 5 मिलीग्राम एक दिन में। उसके बाद है विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन। तो जो आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं ये उसको कम करता है और आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये आपको मिलता है बनाना, ब्राउन राइस, कैरेट, चीज़, मिल्क और लेंटिल से। इसका जो इनटेक है वो होना चाहिए 1.3 मिलीग्राम एक दिन में। इसके बाद है विटामिन B7 बायोटिन। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपके कार्ब्स में से एनर्जी को निकालने में हेल्प करता है। आपको मिलता है मिल्क, एग्स और ग्रीन वेजिटेबल से। इसका इनटेक होना चाहिए 300 माइक्रोग्राम। इसके बाद है विटामिन B9 फॉलिक एसिड। ये आपके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। आपको मिलता है ब्रोकली, पीस, चिक पीस और ग्रीन वेजिटेबल से। इसका दिन का इनटेक होना चाहिए 400 माइक्रोग्राम। उसके बाद लास्ट है विटामिन B12 कोबालामिन। ये आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। ये आपको मिलता है मीट, मिल्क, चीज़ और एग से। इसका जो दिन का इनटेक है वो होना चाहिए 2.4 मिलीग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ उसके, जिसमें हो गया आपके, अगर आपको आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अगर आप डिप्रेसिंग फील करते हैं, उसके अलावा अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन, जिसमें आपको एक कंप्लीट विटामिन बी मिलता है। तो यहाँ पे है वो टॉप 10 फूड जिसमें आपको मिलता है सबसे ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो पहले नंबर पे है बीफ लिवर, इसमें आपको मिलता है कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स। दूसरे नंबर पे है फिश, इसमें भी आपको मिलता है कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स। तीसरे नंबर पे है एग्स, इसमें आपको मिलता है विटामिन B3, B6 और B12। उसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें आपको मिलता है B1, B2 और B12। पाँचवें नंबर पे है सोया मिल्क, इसमें आपको मिलता है B1, B2, B5, B9 और B12। उसके बाद है बीन्स, जिसमें आपको मिलता है B1, B3, B5, B6 और B9। उसके बाद है बनाना, इसमें आपको मिलता है विटामिन B1, B2, B6, B7 और B9। उसके बाद है ओट्स, इसमें आपको मिलता है B1, B2, B3, B6 और B9। फिर आता है स्पिनच, जिसमें आपको मिलता है B2, B6, B7 और B9।
और लास्ट में है नट्स और सीड्स, इसमें आपको मिलता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B9। तो आई होप गाइस मेरी आज की जो वीडियो थी वो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें अगर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। Heliotech.